लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ कहता है कि बावांग को लाने के लिए मैं जाऊंगा, और अब ये सुनने के बाद बाई उससे पूछती है कि क्या तुम ये कर पाओगे। और अब तभी पीछे से कोई कहता है कि यहाँ पर एक इनिट लेवल के 8वें लेवल का भी डिसाइपल है। और अब हम देखते हैं कि दो सीनियर डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि ये न्यू जूनियर भी पावर्स के मामले में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बावांग को लाने के लिए ये जाए। और अब इन्हें देख कर बाई कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उन दोनों में से एक लड़का बाई को टच करने की कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि बाई हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, जिस पर बाई उसके हाथ को झटकते हुए कहती है कि तुम दोनों अपना देखो। और अब जाओ कहता है कि सीनियर मेरे ख्याल से आप लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कल्टीवेशन के मामले में लीचेन मेरा आधा भी नहीं है। और अब ये सुनकर एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि ये तो नेपोटिज्म है, अगर उसकी कल्टीवेशन लेवल कम है तो क्या इसका मतलब वो पावरफुल लोगों से फाइट नहीं कर सकता। और अब विहान बताता है कि ये दोनों सीनियर वांग फैमिली और लू फैमिली से है और मेरे ख्याल से ये दोनों तुम्हें जानबूझ के फंसा रहे हैं, जिस पर लीचेन कहता है कि ओके मैं सब कुछ समझ गया। और अब बाई कहती है कि लीचेन अगर तुमने बावांग को नीचे उतार दिया और किसी तरह तुमने उसे कन्विंस कर लिया तो तुम्हें इसके लिए मेरी तरफ से रिवार्ड दिए जाएंगे। और अब ये सुनने के बाद लीचेन कहता है कि ठीक है मैं उसे लेके आता हूँ। और अब बाई अपने मन में कहती है कि अगर ये लड़का लियो तोंग के पंच से भी सरवाइव कर सकता है तो फिर ये जरूर इस काम को भी कर लेगा। और अब लीचेन बावांग के आर्क के पास पहुँचता है और अब लीचेन बावांग से कहता है कि चलो अब नीचे आ भी जाओ। और फिर लीचेन कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। और अब ये सुनने के बाद बावांग ऊपर से अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और अब ये देखकर वांग फैमिली और लू फैमिली के ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर ये दोनों कहते हैं कि इस काम को इतनी जल्दी करने के लिए एल्डर हमें बहुत सारे रिवॉर्ड देंगे। और अब लीचेन अपने बर्निंग स्पेयर को निकालते हुए कहता है कि बावांग तुम वहीं से बैठे बैठे बकबक करना बंद करो। और अब इतना कहते हैं लीचेन सीधे अपने बर्निंग स्पेयर को उसके आर्क में मार देता है और अब इस अटैक के कारण वो आर्क जमीन पे गिर जाता है। और अब बावांग कहता है कि बच्चे मेरे ख्याल से तुम अपनी जिंदगी से उग चुके हो। और अब इतना कहते हैं बावांग अपनी फुल पावर से सीधे लीचेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब बावांग के अटैक को देख कर लीचेन भी तुरंत अपने स्काई बेंडिंग पाल्म का यूज करता है। और अब थोड़ी देर तक वो दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देते हैं, लेकिन फिर लीचेन अपने हेवनली फायर सील का यूज करता है जिसकी वजह से बावांग काफी ज्यादा पीछे हट जाता है। और अब बावांग हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुमने तो मेरे बैटल स्पिरिट को टोटली एक्टिव कर दिया। और फिर बावांग कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर बावांग अपने फिस्ट ऑफ थाउजेंड बीस्ट का यूज करता है और अब इस अटैक के लगते लीचेन एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। और अब लीचेन कहता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। और अब लीचेन को पिटता देख के बाई भी घबरा जाती है, लेकिन तभी ये दोनों सीनियर आके बाई को पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अब बावांग लीचेन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम पावरफुल होगे, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह ही कमजोर निकले। और अब ब्लड एल्डर कहता है कि तुम्हारे पास जो एक लो क्लास का रॉयल वेपन है उसे जल्दी से स्काई ड्यूरिंग पोर्ट्रेट के साथ मर्ज करो। अब लीचेन कहता है कि क्या मैं इससे पूरी तरीके से हील हो जाऊंगा, तब ब्लड एल्डर यस कहते हैं। और अब इतना सुनते लीचेन अपने प्रोसेस को शुरू कर देता है और अब ये देखकर बाकी के डिसाइपल कहते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। और अब इस प्रोसेस के कम्प्लीट होते ही हम देखते हैं कि लीचेन पूरी तरीके से हील हो जाता है। और अब लीचेन बावांग से कहता है कि भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे इतने पावरफुल पंच के खाने के बावजूद भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। और अब ये देखकर बाई भी कहते हैं कि अब तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। और अब ये देखकर लू फैमिली का सीनियर भी कहता है कि डैम इट ये अभी तक जिंदा कैसे है। और अब जाओ आगे आते हुए कहता है कि लीचेन मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना शो ऑफ करना बंद करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मेरे ख्याल से तुम अपना सबक सीख चुके हो। और अब तभी बावांग जाओ के सर पे एक टपली मारता है और अब बिना देखे जाओ कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। और अब बावांग कहता है कि क्या कहा तुमने। और अब बावांग को देखते जाओ डरते हुए कहता है कि कुछ भी तो नहीं, आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए। और अब बाई वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि बावांग मेरे ख्याल से तुम्हारा हो गया, क्योंकि इस बच्चे ने तुम्हारे पावरफुल अटैक से भी सर्वाइव कर लिया है, तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम अब ऐसा दोबारा नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा दोबारा किया है तो फिर तुम जानते हो कि अंजाम क्या होगा। और अब ये सुनने के बाद लीचेन अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं जरूर मारा जाऊंगा। और अब बाई लीचेन के पास आती है और फिर वो आसपास के डिसाइपल्स को मेरिट मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहती है। और इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि ह्यूमन लेवल के मेरिट मेडल्स हैं और इनमें अभी 1000 पॉइंट्स अवेलेबल हैं और पूरे ताइक्यू आइलैंड में तुम इन्हें यूज कर सकते हो। और अब अपने मेडल की ओर देखते हुए लीचेन कहता है कि लेकिन मेरे मेडल में तो 10000 पॉइंट्स हैं। तब बाई कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। और अब एक डिसाइपल लीचेन को ताइक्यू सेट के रूल रेगुलेशन का स्क्रॉल देता है और कहता है कि इसमें ताइक्यू सेट के सारे बेसिक इंट्रोडक्शन मौजूद हैं। और अब बाई कहती है कि आज से 10 दिनों के बाद आउटसाइडर डिसाइपल और इनेट लेवल के डिसाइपल के बीच फाइट होने वाली है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और फिर बाई कहते हैं कि तुम्हारे पास समय है, तुम पूरे ताइक्यू सेट को एक्सप्लोर कर सकते हो। और अब बावांग लीचेन को रोकते हुए कहता है कि बच्चे मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था। और फिर बावांग कहता है कि आज से 10 दिनों के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, जिस पर लीचेन बहुत ही ज्यादा फनी स्टाइल में कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा कड़े हैं। तब बावांग हंसते हुए कहता है कि तुम दो बड़े नाजुक पर्सन निकले। और अब वहाँ से सबके जाने के बाद पीछे से वही दोनों भाई कहते हैं कि जूनियर लीचेन मेरे ख्याल से अभी हमारे बीच का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। और अब ये सुनने के बाद
बाद लीचेन कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों अभी यहीं पे हो। और अब ये दोनों भाई कहते हैं कि लीचेन तुमने हमारे फैमिली के सारे प्लान्स को बर्बाद कर दिया, तो इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे। और अब इतना सुनते ही लीचेन चिल्लाते हुए बाय और विहान को बुलाने लगता है। और अब ये सुनने के बाद विहान कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तब लीचेन कहता है कि इन दोनों ने मुझसे शर्त लगाया है कि 10 दिन के बाद जो फाइट होगी उसमें अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये लोग मुझे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन देंगे। और अब ये सुनने के बाद वांग फैमिली का लड़का कहता है कि हम लोगों ने ऐसा कब कहा। तब लीचेन उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब ब्लू फैमिली का लड़का कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो फिर हम इस शर्त को एक्सेप्ट करते हैं। और अब विहान कहता है कि अगर ये दोनों सीनियर अपनी पावर्स को ज्वाइन कर दे तो फिर शायद तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तब लीचेन कहता है कि डोंट वेरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब ये सुनने के बाद विहान वेल कहते हुए वहां से जाने लगता है। तब लीचेन कहता है कि रुक जाओ, मुझे ये तो बता दो कि मैं इन पॉइंट्स को कहां यूज करूं। और अब स्टोरी लाइनर बताता है कि टाइक्यूंग सेक्ट में टोटल 3 रीजन है जिसका नाम एनियन सिटी, जिंग टेरेंस और डिमोनिंग हंटिंग ग्राउंड है। और अब अगर हम एनियन सिटी की बात करें तो ये टाइक्यूंग सेक्ट का मार्केट है और यहां पर कल्टीवेशन की सारी जरूरी चीजें मिलती है। और अब एनियन सिटी के सबसे बिगेस्ट टावर को देखते हुए ब्लड एलर कहते हैं कि यहां पर जरूर बहुत सारे रॉयल वेपन होंगे और अगर हम उनमें से कुछ को लेके भाग पाए। जिस पर लीचेन कहता है कि अगर मेरे पास 10 लाइफ भी मौजूद हो तब भी मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर ब्लड एलर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। और अब लीचेन उस टावर के अंदर घुस जाता है और आसपास की चीजों को देखते हुए लीचेन कहता है कि ये टावर तो पूरी तरीके से भरी हुई है। और अब उन चीजों को देख के ब्लड एलर कहते हैं कि मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे कुछ पसंद आए तो फिर मैं उसे लेके भाग जाऊंगा। और अब तभी ब्लड एलर की नजर एक रॉयल वेपन के ऊपर पड़ती है और अब उस आइटम की प्राइस देख के लीचेन के पसीने छूट जाते हैं। और अब लीचेन ब्लड एलर को खींचते हुए कहता है कि छोड़िए उसे, इस आइटम की प्राइस 85,000 पॉइंट्स है। जिस पर ब्लड एलर भी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और अब ये सुनने के बाद लीचेन कहता है कि ओके मैं कुछ सोचता हूँ। और अब तभी एक लड़का शॉपकीपर से कहता है कि क्या तुमने मेरे सारे सामानों को प्रिपेयर कर दिया। और अब ये शॉपकीपर कहता है कि यंग मास्टर ली हमारे पास उतने मेरिट नहीं है जितना आपने मांगा है, तो इसीलिए क्या आप कल तक का वेट कर सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद ली कहता है कि तुम मुझे वेट करने के लिए कह रहे हो, क्या तुम्हें अभी के अभी मेरी पावर्स का एक नमूना देखना है। और अब ली लीचेन की ओर देखता है और फिर वो लीचेन से कहता है कि तुम अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो। तब लीचेन कहता है कि क्या तुम्हें देखना मना है। और अब यंग मास्टर ली के दोनों चमचे कहते हैं कि बच्चे क्या तुम यंग मास्टर ली को नहीं जानते। और फिर वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये गवार होगा। और अब एक चमचा कहता है कि बच्चे तुमने अभी जो यंग मास्टर ली के साथ बदतमीजी से बात किया है उसके लिए तुम मास्टर ली से माफी मांगो। और अब लीचेन उस लड़के को इग्नोर करते हुए शॉपकीपर से पूछता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर ट्रांजेक्शन के रूल बता सकते हैं। और अब ये देखकर वो दूसरा चमचा कहता है कि इसने हमें इग्नोर किया। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अब लीचेन भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि जिसमें दम है वो सामने आए। और अब ये देखकर वो दोनों चमचे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो दोनों मास्टर ली के पीछे आते हुए कहते हैं कि जाओ जाओ इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और अब ब्लड एलर कहता है कि हमें जल्दी से बताओ कि ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। तब ये शॉपकीपर लीचेन को ट्रांजेक्शन के सारे रूल समझाता है और अब लीचेन भी उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। और अब मास्टर ली का एक चमचा कहता है कि मास्टर क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे। तब मास्टर ली कहता है कि बिल्कुल नहीं। और फिर ली लीचेन की ओर देखते हुए कह रहा है कि ये जो कर रहा है उसे करने दो और समय आने पे हमें जो करना है वो हम करेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।